तो यस, हम लोगों ने पहले लेसन नंबर 2 ग्रामर का, ग्रामर पुस्तिका नाम है बिथिका हिंदी व्याकरण, ठीक है। उसका लेसन नंबर 2 का आधा आधा पेज नंबर 11 और 13 तक कंप्लीट किया था, ठीक है। तो हम लोगों ने इसमें क्या क्या कहा था, लेसन नंबर 2 है वर्ण। तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि वर्ण किसे कहते हैं। तो वर्ण जिस ध्वनि के टुकड़े नहीं हो सकते हैं उसे क्या कहा जाता है, वर्ण या अक्षर कहा जाता है। फिर उसके आगे है वर्णों के प्रकार। फिर हम लोगों ने क्या किया था कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, वर्णों के कितने भेद होते हैं। तो वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, और कौन कौन से, स्वर और व्यंजन। तो यहाँ पर नीचे आपको पुस्तिका में दिख रहा है पेज नंबर 9 पर सारे स्वर, ओ टू आओ द, जो स्वर लिखा गया है, वर्ण लिखे गए हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, स्वर। तो हिंदी में टोटल कुल कितने स्वर होते हैं, हिंदी में कुल 11 स्वर और 33 व्यंजन है। अम और आह वर्णों को अयोगवाह माना जाता है। ये ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन। ड और ढ जो व्यंजन में आते हैं उनको हम लोग वर्णों के अतिरिक्त व्यंजन कहा जाता है। किसी शब्द के शुरू में इनका प्रयोग नहीं किया जाता। इनका प्रयोग जो है वो कब किया जाता है, या तो बीच में या लास्ट में, ढ और ड। उसके बाद हम लोगों ने पेज नंबर 11 के ऊपर एक कविता थी, उसमें स्वरों से रिलेटेड एक कविता, उसमें सीख भी दी गई थी। तो पहली सीख क्या थी, करो समय पर सारे काम। हमें सारे काम अपने कब करना चाहिए, समय पर ही करने चाहिए। आज का काम हमें कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरा है सदा सत्य की होती जी। तो दूसरी सीख में क्या बताया गया है कि हमेशा हमें सच बोलना चाहिए, क्योंकि हमेशा सत्य की ही जीत होती है, इसलिए कहा जाता है सत्यमेव जयते। तीसरा है कभी न भूलो किसी से झूठ, चाहे कोई भी सिचुएशन है, कैसी भी परिस्थिति है, हमें कभी भी किसी से झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि एक झूठ को छुपाने के लिए बाद में हमें बहुत सारे झूठ बोलने पड़ते हैं। इसलिए हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, क्योंकि अगर हमने किसी बात को सच बोल दिया तो थोड़ी सी देर के लिए हमें या सॉरी या कुछ पनिशमेंट मिलेगी, लेकिन अगर हमने किसी बात को छुपाया तो उस बात को छुपाने के लिए और हमें ना जाने कितने झूठ बोलने चाहिए। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कभी ना बोलो किसी से झूठ। उसके बाद है ऋषि देते सबको सच्चा ज्ञान। जो गुरु ऋषि हैं वो सबको क्या देते हैं, हमेशा सच्चा ही ज्ञान देते हैं, इसलिए हमें उनके कहे का अनुसरण करना चाहिए। फिर है सदा रहे चेहरे पे रौनक। तो हमें हमेशा अपने आप को हमेशा खुश रखना चाहिए। कोई कुछ बोले या गुस्सा भी करे तो भी हमें मुस्कुरा कर ही उसका जवाब देना चाहिए। समय नहीं करना बेकार, हमें कभी भी अपना समय व्यर्थ नहीं गवाना चाहिए। ओके, ये हो गए आपके पेज नंबर 11 पर जो यहाँ पर कुछ सीख दी हुई थी वो मैं यहाँ पे हम लोगों ने उसका पढ़ा, ठीक है। उसके बाद आता है आप लोगों के यहाँ पर आओ दोहरा ले पेज नंबर 13 पर, हमारे मुख से कुछ ध्वनियां निकलती हैं, ठीक है। मुख से निकलने वाली ध्वनियों को क्या कहा जाता है, वर्ण या अक्षर कहा जाता है। उसके बाद है वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर के उच्चारण में किसी वर्ण की सहायता नहीं ली जा सकती। जब हम किन्हीं स्वरों का उच्चारण करते हैं, उन्हें बोलते हैं, मुख से उनकी ध्वनियां निकालते हैं, तो उनको बोलते समय हमें कभी भी वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती। व्यंजन स्वरों की मदद से बोले जाते हैं, लेकिन उसकी तरह ही जब हम व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो उनको बोलते समय हमेशा किसकी मदद ली जाती है, स्वरों की। जैसे क, अब क मैं बोल रही हूँ तो लास्ट में किसकी ध्वनि आ रही है, अ की। तो मतलब हम लोग व्यंजनों के साथ स्वरों को भी ऐड, स्वरों की भी ध्वनि उसमें आ रही है, इसलिए कहा जाता है कि व्यंजनों को बोलते समय स्वरों की मदद ली जाती है।
उसके बाद है दो व्यंजनों के मिलने से संयुक्त व्यंजन बनते हैं, ये अपने मूल रूप से भिन्न होते हैं। तो जब दो व्यंजन आपस में मिल जाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, संयुक्त व्यंजन। और वो संयुक्त व्यंजन कितने प्रकार के हैं, वो हैं चार प्रकार के। कौन कौन से, क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। अब उनको कैसे दो स्वर व्यंजनों की कैसे उनको संयुक्त व्यंजन क्यों कहा गया है, अभी देखो। क्ष कैसे बना, क प्लस षटकोण वाला श। अब उसमें दो व्यंजन आ रहे हैं तो दो कितने हो गए, दो व्यंजनों वाले, ठीक है। तो और उन्हें क्या कहा जाता है, संयुक्त व्यंजन। अभी क प्लस स क्ष, उसके बाद त प्लस र त्र, ज प्लस न ज्ञ और श प्लस र श्र। ओके, उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को दिया हुआ है पेज नंबर 13 के ऊपर कि स्वर और व्यंजन लिखो। तो ये आप लोगों ने अपनी व्याकरण पुस्तिका में स्वर और व्यंजनों को यहाँ पर फिल करना है, कंप्लीट करना है अच्छे से नीटली राइटिंग में, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, सही उत्तर पर सही टिक बोला लगाओ। तो पहला वन है, पहला क्वेश्चन है, इनमें से स्वर है। अब पहला बॉक्स में लिखा है ये ठ री, तो आप लोग बताओ कि इसमें कौन सा सही है, री। ओके वेरी गुड, तो री के ऊपर आपको क्या करना है, टिक। उसमें से दूसरा है, इनमें से व्यंजन है अ फ ओ, तो व्यंजन कौन से होते हैं, को टू शो। तो यहाँ पे फो जो है वो क्या है, व्यंजन फ फल। इनमें अतिरिक्त व्यंजन कहते हैं, तो कौन कौन से, च छ ढ ढ, लास्ट का ढ और ढ, तो आंसर है लास्ट का, ठीक है। उसके बाद इन्हें अयोग वा कहते हैं, अम आहा अ आ ओ अम, तो कौन सा है अयोग्य, स्वर के लास्ट के जो लेटर होते हैं, वर्ण होते हैं, वो उन्हें अयोगवाह कहा जाता है। तो कौन से है, अम और आह। ओके, उसके बाद है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो पहला है वर्ण किसे कहते हैं, तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि वर्ण किसे कहते हैं, फिर भी एक बार मैं फिर से आपको बता दी हूँ। पेज नंबर कौन सा है, हाँ कहाँ से हमारा पाठ स्टार्ट हो, पेज नंबर 9 से। पेज नंबर 9 के ऊपर पीले रंग का एक बॉक्स बनाया है, वहां पे लिखा हुआ है वर्ण किसे कहते हैं। तो वर्ण किसे कहते हैं, जिस ध्वनि के टुकड़े नहीं हो सकते हैं उसे वर्ण या अक्षर कहा जाता है। तो ये बात समझ आए कि वर्ण किसे कहते हैं, हाँ जिस ध्वनि के टुकड़े नहीं हो सकते हो उन्हें क्या कहा जाता है, वर्ण या अक्षर कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, वर्ण के कितने भेद होते हैं, तो ये मैंने बताया आपको कि वर्णों के कितने भेद होते हैं। वर्ण कितने प्रकार के, दो प्रकार के, कौन कौन से, पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन, ठीक है। उसके बाद है, तो आपको ये बताऊं चाहिए कि वर्णों के कितने भेद, दो, कौन कौन से, स्वर और व्यंजन। हिंदी में कितने स्वर होते हैं, 11 स्वर, और व्यंजन कितने, 33। अम आहा क्या है, अयोग वाह। संयुक्त व्यंजन कितने प्रकार के, चार प्रकार के, कौन कौन से, क्ष त्र ज्ञ श्र। ओके, अब नेक्स्ट है वर्णमाला किसे कहते हैं, तो इसके लिए आप लोग पेज नंबर 12 ओपन करो, 1 2, हाँ उसके ऊपर सबसे पहला पैरा लिखा हुआ है वर्णमाला, तो इसका उत्तर भी यहीं पे है। तो क्या है, जब वर्णों का समूह एक निश्चित क्रम में लिखा जाता है, जब हम वर्णों को एक निश्चित क्रम में, निश्चित लाइन में या अच्छे से सिस्टमैटिक हम लोग उनको लिखते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला स्वरों और व्यंजनों से मिलकर बनती है, किससे बनती है वर्णमाला, स्वरों और व्यंजनों से मिलकर बनती है। ओके,
तो इसका उत्तर पता चला क्वेश्चन नंबर 3 का। वर्णमाला किसे कहते हैं? जब वर्णों के समूह को हम एक निश्चित क्रम से लिखते हैं या वर्णों के समूह को एक निश्चित क्रम में लिखा जाता है उसे क्या कहा जाता है? वर्णमाला। वर्णमाला स्वरों और व्यंजनों से मिलकर बनती है। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया हमारा व्याकरण का लेसन नंबर 2। तो ये जो मैंने अभी आप लोगों को पढ़ाया है ग्रामर टेक्स्ट बुक के साथ साथ पाठ्य पुस्तक का जो लेसन हुआ है उसके साथ साथ हम लोगों को इसको भी कंप्लीट करना है। तो ग्रामर बुक का पेज नंबर 14 तक सारा कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद और उसको कंप्लीट करने के बाद अच्छे से सारे स्वर व्यंजन अयोग व संयुक्त व्यंजन इनको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद है आपका लेसन नंबर 3 मात्राएं, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। उसके साथ साथ टेक्स्ट बुक का लेसन नंबर 5 उसके क्वेश्चन आंसर मैंने टेक्स्ट बुक आप लोगों को टेक्स्ट बुक पे नोट्स में भेजा हुआ है और उन क्वेश्चन आंसर को अच्छे से टेक्स्ट बुक पे लिखना है करना है। उसके बाद ही हम लोग लेसन नंबर 6 जो है आपकी पोएम, और वो पोएम कौन सी है? कहाँ पहुंची पतंग। ठीक है, तो ये आगे वाली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, चलो, थैंक यू।